हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चीकू साक्षी व्लॉग्स। और आज हम आ गए हैं शिल्पग्राम उदयपुर। तो चलो आज आपको राजस्थान की खूबसूरत कला और संस्कृति से अवगत कराते हैं। अंदर एंटर करने के लिए 55 रुपीस पर पर्सन का टिकट रहेगा। तो अंदर एंटर कर लिया है हमने और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा ये लोकल मार्केट है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं शिल्पग्राम मेला। वाओ, ये सब हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग लाइव पेंटिंग्स बना रहे हैं और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इसे जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे सब हैंडमेड आर्ट है, कोई भी मशीन से बनाए हुए पोस्टर्स नहीं है। यहाँ पे मुरल आर्ट की भी एग्जीबिशन लगी है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर होम डेकोर एंड यूजेबल आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सभी हैंडमेड मिट्टी के बर्तन हैं और ये कितने सारे होम एंड गार्डन डेकोर है यार। तो भाई, इतना सारा घूमने के बाद मुझे तो लग गई भूख, तो मैंने ले लिया सीताफल रबड़ी और भाई जब मैंने उसको खाया तो भाई मजा आ गया। वहां से आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे वुडन आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स देखने को मिले। फिर हम थोड़ी देर रुके, पानी पिया और आगे बढ़े। थोड़ा आगे आते ही बहुत बड़ा एक कपड़ों का मार्केट है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इंडोर्स एंड आउटडोर्स होम एंड क्लोथ्स वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। वहां से फिर आगे बढ़े तो टेंपल डेकोर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट था। अब टाइम है पेट पूजा का और ठंड का मौसम है और आप आए हैं राजस्थान, तो यार दाल ढोकली और राव का टेस्ट तो बनता है यार। खाने पीने की यहाँ पे और भी बहुत सारी वेराइटीज है, तो आपको यहाँ पे मजा आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ताजा गन्ने का रस निकाला जा रहा है। वहां से आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट है। तो भाई घूम घूम के अब हम बहुत थक चुके हैं, तो हम चलते हैं राजस्थानी फोक म्यूजिक और डांस देखने के लिए। तो यहाँ से निकल के हम आगे निकले और हम आ पहुंचे हैं म्यूजियम के पास, जहाँ पे ये पुराने घर को बताया गया है कि पहले के टाइम पे राजस्थान में इस टाइप के घर हुआ करते थे। और इसी के पास में मिट्टी से बनाई गई आर्ट्स का म्यूजियम है, जिसका नाम है मिट्टी के रंग। यहाँ पे अलग अलग टाइप की मूर्तियां बनाई गई है मिट्टी से, जो कि बहुत सुंदर लगती है। और इसी के पास में यहाँ पे लोकल लोग गानों को अपने अंदाज में गाते हैं।
इवनिंग में आ रहे हैं तो यहाँ का नाइट शो अटेंड करना ना भूलें, और सबसे एंड में यहाँ का पान खाना ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खम्मा गणी।